everyone, welcome to Tech Study Dive. My name is Priyanka Verma. I'm going to start with the current affairs of 16 June and 17 June 2019. सबसे पहले चलते हैं पीपीएससी की फास्ट रिवीजन पे. ये हैं पीपीएससी के क्वेश्चंस. अगर आप इन क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए. और ये करंट अफेयर्स की सीरीज आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है. और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कीजिए. इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. व्हेन इज द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व? आंसर इज 14th जून. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज क्रिएटेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द फर्स्ट यूट्यूब चैनल टू सरपास 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स? आंसर इज टी सीरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मंथली अमाउंट दैट फार्मर्स आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट अंडर द प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना टू अवेल द पेंशन बेनिफिट? आंसर इज ₹100. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट फुटबॉल फीफा रैंकिंग्स रिलीज्ड इन जून 2019? आंसर इज 101. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना फॉर पुअर? आंसर इज बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ स्टेट हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट नेशनल प्राइज ऑफ क्रेगिस्तान मानस ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट डिग्री? आंसर इज जी जिनपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द प्रेसिडेंट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर 6 मोर मंथ्स फ्रॉम 3rd जुलाई 2019. द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आंसर इज 356 पार्ट 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी जायंट्स हैज मेड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बेस्ड स्टार्टअप मीजो? आंसर इज फेसबुक. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू डेडलाइन सेट बाय ट्राई फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नॉर्म्स? आंसर इज 30th September. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हेल्ड? आंसर इज जापान. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which company has launched an initiative, Tech B, to train and hire students who have completed 12th standard? Answer is HCL Technologies. Next question, name the union minister launched the e-governance initiative for ST welfare schemes. Answer is Shri Arjun Munda. Next question, which North American country has decided to ban single-use plastics from 2021? Answer is Canada. तो ये थे प्रीवियस डे के क्वेश्चंस. और अब चलते हैं 16 एंड 17 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पे. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. व्हेन इज द ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेटेड? आंसर इज 15th जून. हर साल 15 जून को मनाया जाता है ग्लोबल विंड डे. और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है विंड यूरोप एंड ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा. और 2019 में ग्लोबल विंड डे की थीम रहेगी फ्यूचर विंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian NGOs has recently been awarded with the BBC World Service Global Champion Award? Answer is Akshay Patra. Akshay Patra एक बेंगलुरु based NGO है और इसको मिला है BBC World Service Global Champion का award. और अक्षय पात्र चला रही है world का largest school meals project. Next question, which company has launched a first of its kind initiative to provide insurance against EMIs to its customers? Answer is Just Money. जस्ट मनी एक बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल लर्निंग स्टार्टअप है और इसने पार्टनरशिप की है डिजिट इंश्योरेंस के साथ. और ये प्रोवाइड करवाएगी इंश्योरेंस अगेंस्ट ईएमआई टू इट्स कस्टमर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? आंसर इज दिवेंद्र नाथ सारंगी. स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं दिवेंद्र नाथ सारंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड लाइन ऑफ क्रेडिट worth $150 million to Ghana for strengthening of the agricultural sector? Answer is Exim Bank. Exim Bank provide करेगी $150 million Ghana को और वो करेगी agricultural sector को improve करने के लिए. Exim Bank ने total $245 million की approval दी है Ghana और Mozambique को. और अब बात आती है Exim Bank के. Exim Bank के full form है Export Import Bank of India. और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1982 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019? आंसर इज सुमन राव. सुमन राव एक सीए स्टूडेंट है राजस्थान से और इन्होंने जीता है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 का अवार्ड.
और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम जो कि है मुंबई में। और सुमन राव रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को मिस वर्ल्ड 2019 में, और मिस वर्ल्ड 2019 ये होगा थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय एक्सिम बैंक एज लाइन ऑफ क्रेडिट टू मोजाम्बिक फॉर रेलवे सेक्टर? आंसर इज $95 मिलियन। तो एक्सिम बैंक ने अप्रूव किए हैं $95 मिलियन मोजाम्बिक के लिए, और $95 मिलियन यूज होंगे रेलवे सेक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड $235 मिलियन लोन फॉर त्रिपुरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन बैंक ने अप्रूव किए हैं 1650 करोड़ यानी कि $235 मिलियन और ये किए हैं त्रिपुरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। और अब बात आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एडीबी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1966 में। एडीबी का हेडक्वार्टर है मैनिला फिलीपींस में, और एडीबी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं ताकि ही को नकाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द इंडिया फॉर किर्गिस्तान टू अपग्रेड देयर टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल? आंसर इज $200 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? आंसर इज 15th June। हर साल 15 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, एंड दिस डे इज टू सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस एंड मेक स्टेप टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ अब्यूज एंड सफरिंग इन्फ्लिक्टेड ऑन एल्डरली पीपल। और 2019 में वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की थीम रहेगी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस इज ऑब्जर्व ऑन डैश? आंसर इज 16th June। हर साल 16 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस ये एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिकॉग्नाइज्ड डे है, और ये मनाया जाता है 16 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोवर्धन बिरला हैज बीन डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर बाय विच बैंक? आंसर इज यूको बैंक। यूको बैंक के द्वारा यशोवर्धन बिरला को डिक्लेयर किया गया है विलफुल डिफॉल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बीट विच कंट्री टू क्लिंच द 2019 मेंस FIH सीरीज फाइनल्स? आंसर इज साउथ अफ्रीका। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा के जीता है 2019 मेंस FIH सीरीज फाइनल्स, और मेंस FIH सीरीज फाइनल्स ये हुए थे भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, और भुवनेश्वर है ओडिशा में। तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया है 2019 मेंस FIH सीरीज फाइनल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट हैज गॉट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशंस। द हाईएस्ट स्टेशन हैज बीन इंस्टॉल्ड एट व्हिच एरिया अक्रॉस द एवरेस्ट? आंसर इज बालकनी एरिया। माउंट एवरेस्ट पे बना है वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन, और ये हाईएस्ट स्टेशन इंस्टॉल किया गया है माउंट एवरेस्ट के बालकनी एरिया में, और इसकी हाइट है 8,430 मीटर फ्रॉम सी लेवल। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑपरेटिंग वेदर सिस्टम ये लगाया गया है माउंट एवरेस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जम्मू एंड कश्मीर बैंक विल बी पुट अंडर द परव्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर RTI एक्ट 2009 एंड CBC गाइडलाइंस विद इफेक्ट फ्रॉम डैश? आंसर इज 17th June। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के इंटरिम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर RS छिब्बर ने डिसाइड किया है कि बैंक को जम्मू एंड कश्मीर RTI एक्ट 2009 एंड CBC गाइडलाइंस के अंडर लाया जाए, और बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है 17 जून 2019 से बैंक को जम्मू एंड कश्मीर RTI एक्ट 2009 और CBC गाइडलाइंस के अंडर लाया जाएगा। और रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के चेयरमैन और MD बने थे RS छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुजाना कैपुटोवा हैज बीन स्वॉन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर इज स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जुजाना कैपुटोवा, और जुजाना कैपुटोवा ये स्लोवाकिया की 5th प्रेसिडेंट बनी है। और अब बात आती है स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रैटिस्लावा, और स्लोवाकिया की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल इंडिया फर्स्ट सिख म्यूजियम इनोग्रेटेड एट डैश? आंसर इज रायपुर, विच इज इन छत्तीसगढ़। सेंट्रल इंडिया के फर्स्ट सिख म्यूजियम का इनोग्रेशन हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ में, और सिख म्यूजियम का इनोग्रेशन किया है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने 5th सिख गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2019 एट द याराविले क्लब इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया? आंसर इज पीटर गिलक्रिस्ट। पीटर गिलक्रिस्ट ने जीता है पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2019। पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप 2019 ये हुई थी
ग्यारहवीले क्लब मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन बिजनेस ग्रुप हैज गॉट इट्स अप्रूवल फ्रॉम द क्वींसलैंड स्टेट गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया फॉर द कारमाइकल कोल प्रोजेक्ट इन ऑस्ट्रेलिया? आंसर इज अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप को अप्रूवल मिल गई है क्वींसलैंड स्टेट गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया से, और ये अप्रूवल दी गई है ऑस्ट्रेलिया में कारमाइकल कोल माइंस प्रोजेक्ट के लिए, और अडानी ग्रुप ये एक इंडियन बिजनेस ग्रुप है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन।